गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। री इन्वेंशन, आज आपके साथ दोबारा इसी बुक में से एक टॉपिक पे बात करते हैं। इस बुक में एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है, जौहरी विंडो, जो कि 1955 में दो साइकोलॉजिस्ट जोसेफ एंड हैरिंगटन, इन दोनों ने ये इन्वेंट किया था बेसिकली ये कॉन्सेप्ट। और इससे पहले सेपरेटली भी इस पर मैं बात कर चुका हूँ आज से एक साल दो साल पहले एक दो वीडियोज़ में। बट इस किताब में जो लिखा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को, तो आई थॉट कि ये कौन मेरे लिए नई लर्निंग है तो आपके साथ शेयर की जाए। सो जौहरी विंडो के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर मौका मिले तो इसको ज़रूर, इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें, सीखें। सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल पर्सपेक्टिव, आपका क्या होना चाहिए लाइफ में और आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उस पे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और देखिए, इसमें जो जौहरी विंडो है इसके अंदर चार एरियाज़ हैं। नंबर वन, ऐसे दो एरियाज़ ऐसे हैं जो नोन टू अदर्स, आपकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स जो दूसरे लोग जानते हैं और जो दूसरे लोग नहीं जानते, ये दो तरीके कार है। और एक देखो, एक आउटर साइड है और एक इनर साइड है। अब मेरी बात करें तो मेरी ज़ात के वो एरियाज जिनको मैं जानता हूँ अपने बारे में और मैं अपने बारे में नहीं जानता, ऐसे ही दो एरियाज आउटर साइड कौन से हैं? वो एरियाज जो पब्लिक जानती है, आपके रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, और कोई भी नहीं जानता। तो इन चारों को अगर हम देखें तो इसमें से एक बनता है पब्लिक एरिया, पब्लिक सेल्फ। पब्लिक सेल्फ क्या है? आप मुझे जानते हैं, मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ट्रेनिंग से वाबस्ता हूँ, RKB के साथ काम कर रहा हूँ एज कंट्री मैनेजर। ये बेसिक्स हैं जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जैसे नॉट नोन टू अदर्स, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं पता, लेट सपोज कि मेरा फेवरेट फूड क्या है, मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं किस शहर में रहना पसंद करता हूँ, मेरी लाइफ की जो कुछ पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं, आपको नहीं आइडिया, तो वो सीक्रेट सेल्फ है जो मेरी हद तक है, मुझे पता है, आपको नहीं पता। थर्ड वन पे है ब्लाइंड स्पॉट, नॉट नोन टू सेल्फ लेकिन नोन टू अदर्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट लोगों को क्लियरली पता होता है शॉर्ट टेम्परामेंट है, हमें नहीं पता होता अपने बारे में, लोगों को पता होता है। हम ऐसी कुछ आदत, कुछ बिहेवियर्स रिफ्लेक्ट करते हैं जिसके बारे में हमारी परसेप्शन या खरा गलत होती है या हमें आइडिया नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती। जनरल पब्लिक को, आम लोगों को, आपके दोस्तों को पता होता है कि ये इसकी पर्सनालिटी का कौन सा एरिया है, क्या बातें इसकी हैं, कौन से बटन्स हैं जो प्रेस करेंगे तो इसको गुस्सा आएगा, हमें नहीं पता होता, हमें गुस्सा आ जाता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ ऑफेंड होगा ये, हमें नहीं पता कि हम ऑफेंड हो रहे होते हैं लेकिन लोग हमें ऑफेंड कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़ात की जिनके बारे में हम अवेयर्ड नहीं होते, आम लोग होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं या हमें उसका नुकसान होता है या हमें, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इससे किस वक्त बात करनी है, किस वक्त बात नहीं करनी, किस मूड में बात करनी है, किस मूड में बात नहीं करनी, किस टॉपिक पे बात करनी है, किस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मेरे लाइफ के हवाले से वो चीज़ें जो मुझे शायद ना पता हूँ या इतना फोकस ना हूँ, मैं उतना तवज्जो नहीं देता, आम लोगों को पता है, ये ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है। लास्ट है, ना लोगों को पता है ना मुझे पता है, मेरी ज़ात के ऐसे पहलू जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। मिसाल के तौर पर, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले, जब मैंने कभी कोई लेक्चर, कोई ट्रेनिंग, कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई लेक्चर डिलीवर नहीं किया, उस टाइम ना मुझे पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ना आम लोगों को पता था। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, अनकवर्ड टैलेंट, अनलीश्ड पोटेंशियल, ये वो पार्ट है जो अननोन है फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल। आप देखते हैं बाज़ औक़ात आप किसी एक शख्स को अपनी टीम में से बुला के कहते हैं ये काम करो, काम करते आप हैरान रह जाते हो, इसमें तो ये टैलेंट है, उसको भी पता चलता है, ओ वाह, ये तो मुझे पसंद है काम, ये तो अच्छा कर सकता हूँ मैं, एकदम उस शख्स को भी और आम लोगों को भी पता चलता है कि इस शख्स में ये खूबी है,
ये अननोन एरिया है, यहीं सारी अगर इस जगह तवज्जो दें हम अपनी ज़ात में तो हम हैरान रह जाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम अपने बारे में जानें, लोग हमारे बारे में जानें कि मिरेकल्स हों। सो ये तरीका कार, लेकिन इसको जो इसकी खूबसूरती है इस कॉन्सेप्ट की, जो इस किताब में उन्होंने मेंशन की केट स्वीटमैन और शेन क्रैगन ने, वो ये है कि इन्होंने कहा समझ ले घर है, उस घर में चार कमरे हैं, एक कमरा ऐसा है जिसमें आपने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको भी पता है और पब्लिक चीज़ें आपको भी पता है, बेड है, कुर्सी है, चेयर है, और आम लोगों को भी पता है, ग्लास का कमरा है समझ ले, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें एडिशनली, जो सबको पता चल रहा है। दूसरा ऐसा कमरा है जिसके अंदर आपने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो सिर्फ आपको पता है, आपके अलावा उस कमरे में कोई नहीं आता जाता और किसी को नहीं पता इस कमरे में क्या है, सिर्फ आपको पता है। मान लें ऐसा ग्लास है जो बाहर से अंदर नहीं दिखता, अंदर से बाहर दिख सकता है, ऐसा कमरा है, आप ही को पता है अंदर क्या है, बाहर के लोगों को नहीं पता, कोई अंदर नहीं आता। तीसरा कमरा ऐसा है जिसमें आप को नहीं आइडिया कि आपने क्या रखा हुआ है, लेकिन लोगों को पता है, लोग आते जाते रहते हैं उस कमरे में, आप एंटर नहीं हो पा रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपको पता नहीं है, या वो कमरा इतना क्लटर्ड है कि आपको आइडिया नहीं हो क्या क्या पड़ा हुआ है इस कमरे में। चौथा वो कमरा है जिसके अंदर ऐसा सामान रखा हुआ है जो आज तक आपने भी नहीं देखा और किसी और ने भी नहीं देखा। अब इन चारों रूम्स में से किस रूम में जाके ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ताकि आप ग्रो कर सकें। जो इस किताब का टाइटल है री इन्वेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप जौहरी विंडो का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ात के हिडन पहलुओं को उजागर करने में कोशिश करें ताकि आप अपने टैलेंट से आगाह हों और आप उस टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकें फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पीपल। सो ये आज का हमारा टेक है इस बुक में से, और आई होप कि आपके लिए मुफीद मालूमात होंगी। ये कल परसों किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे।